आज उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि 370 धारा ही एक जड़ थी आतंकवाद की, उखाड़ के फेंक दिया और प्रथम राष्ट्र का नारा दिया। ये आज सारी दुनिया देख रही है कश्मीर में क्या हो रहा है। नया हिंदुस्तान है, अब देश को जहां से भी खतरा होगा वहां पर घुस करके मारेंगे, और अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त ताल ठोक के का है, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए, आज पूरे देश ने इमरान का कॉमेडी शो देखा, जबरदस्त नौटंकी करी। आज पूरे पाकिस्तान ने, इमरान खान ने कॉमेडी शो चला, पूरी दुनिया हंस रही है। आज अभी जब मॉन्टाज चल रहा था तो बिट्टा साहब भी बहुत बुरी तरह मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, पूरा स्टूडियो हंस रहा था, क्योंकि आज पूरी दुनिया मजाक बना रही है वाकई पाकिस्तान का, इमरान खान का, हंसी का पात्र बन गए हैं, नौटंकी ड्रामा सब कुछ हुआ आज। अच्छा, ये शेख रशीद साहब है, पाकिस्तान में रेल मंत्री हैं, गीदड़ भपकी धमकाने का काम इन्हीं को सुपारी दे रखी है इमरान खान ने। अच्छा, इनके बारे में एक और चीज कुख्यात है बिट्टा साहब, पहले मैं आप ही का कमेंट ले लेता हूँ। इनके बारे में एक और चीज कुख्यात है, 98 में जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था तो देश छोड़कर भागने वालों में सबसे पहले नंबर पर थे ये शेख रशीद साहब, जिनको अब करंट लग गया। सोचिए, मोदी का नाम लेने पर करंट, ये डर है ना, ये किस चीज की बौखलाहट है रशीद साहब, करंट तो लगने अभी से शुरू हो गए, अभी तो कुछ किया नहीं है भारत ने। जो मैंने इनको काफी समय से देख रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में एक पिक्चर की कमी रह गई थी जिसका नाम था फुकरा। फुकरा, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फुकरा है, चश्मा लगा के और ड्रामे करता, और मोदी का नाम लिए करंट पड़ गया इसको। एक बात मेरी बिल्कुल स्पष्ट सुन लीजिए, हिंदुस्तान बिल्कुल जंग अभी भी नहीं चाहता। हमको सरकार के नुमाइंदे नहीं है, पर जो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कभी जंग नहीं चाहता, वो महात्मा गांधी की विचारधारा के ऊपर ही चलना चाहता है। और वो नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, वो पाकिस्तान में गए, नवाज शरीफ को मिले, और उसके बाद जब उन्होंने दीनानगर पठानकोट की घटना उन्होंने नहीं हटे, उन्होंने की, उसके बाद हमने फायर अपना खोला, एक गोली चलती 100 गोली का जवाब देते। जहां तक परमाणु की उन्होंने बहुत बड़ी धमकी दी है, ये उनको बहुत बड़ी गलत फहमी है। उनके पल्ले अल्ले कुछ है नहीं, कुछ नहीं उनके पल्ले, वो सिर्फ इस बात से डर चुके हैं कि अब ये कश्मीर का तो मुद्दा कोई हल था नहीं, कुछ था वो इन्होंने हल कर दिया, अब ये ऑक्यूपाई कश्मीर में घुसेंगे। और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बोला, वो डर के कारण अब वो लड़ने के लिए उनके पास तो हिम्मत नहीं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पैसा नहीं, लोग गरीबी से मर रहे हैं। आपके वीडियो जो इतने पूरी दुनिया में उनके वायरल हो रहे हैं, ये कहां हिंदुस्तान से लड़ेंगे? तो हमें इनसे अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कश्मीर मसला सॉल्व हो चुका तो है, तरस आ रहा है। बल्कि मेरे ख्याल से शाहनवाज हुसैन साहब, इनसे डरना तो छोड़िए, इन पे तो शायद तरस सिखाया जाता है। तो ये सर गांठ बांध लीजिए, आपके पास नहीं, वो भारत का अभिनंग था, है और रहेगा, किसी की औकात नहीं। आप जैसे कितने आए कितने गए, कश्मीर भारत का था, है, रहेगा, ये आप गांठ बांध लीजिए, खत्म बात। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। सुशील पंडित, आपकी सत्ता हमें रोक नहीं सकती। किसकी? पाकिस्तान की। संविधान किसकी? पाकिस्तान की। एक मिनट, सरकार की। सरकार किसकी? चोरी छुपे हमारे सर ताल ठोक के संसद में प्रस्ताव पास हुआ है, पार्लियामेंट ने सर चोरी छुपे नहीं, ताल ठोक कर संसद में प्रस्ताव संकल्प पास हुआ है। चलिए सुशील पंडित, ठीक अमन जी, ठीक है सुशील पंडित, एक बार सुशील पंडित, उसके बाद विधानसभा से पूछा आपने, चलिए ठीक है, अब एक एक करके ठीक है, हो गया। एक मिनट, अब बिट्टा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले एमएस बिट्टा, उसके बाद सुशील पंडित, वो ऐड करना चाह रहे, बोलिए बिट्टा साहब, बोलिए बिट्टा साहब क्या बोलना चाह रहे, उसके बाद सुशील पंडित, फिर सुब्रांश, एमएस बताइए, बीच में मत बोलिएगा लोन साहब, आपको किसी ने नहीं टोका। बिट्टा साहब, इन्होंने पंजाब की बात की, कितने साल आतंकवाद रहा, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, खून की नदियां बहती हुई देखी, बच्चों से निकाल करके एक लाइन में खड़ा करके लोगों को शहीद कर दिया जाता था, हम भी उनमें गोलियों बम्बों का शिकार हुए। आप मुझे बताइए, पंजाब को खालिस्तान बनने दिया, कौन था उनके पीछे? पाकिस्तान उनके पीछे था, चने चबा दिया जनाब पाकिस्तान के। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारे पंजाब की तरफ देख ले, खालिस्तान
खालिस्तान ना बनने दिया, ना बनेगा, ना बनने देंगे। और ये कहते थे बार बार, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह हमारी लाशों से गुजर के चले जाएगा। इसलिए कहते एक मिनट, इसलिए कहते कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। एक एक करके बोलेंगे ना, डिबेट हो पाएगी। बोलिए आप एम एस बिट्टा, उसके बाद शहनवाज हुसैन। आज आपको स्पष्ट कह दूं, ये लोग सेना को गाली कैसे दे देते हैं सर, इनकी हिम्मत कैसे? रुक जाइए, वेट कीजिए। आप इतनी, आप भी घबराइए मत, ये भी ना घबराएं। 370 धारा हटी, कैंसर की बीमारी उखाड़ के फेंकी। ये जो लोग देखो, पहली बात तो जो वहां पत्थर फेंकने वाला है, आज जो नौजवान है वहां पे, उसमें उसको नौकरी या मिलेगी, उसके हाथ में पत्थर नहीं होगा, बंदूक नहीं होगी, उसका फ्यूचर होगा। ये मैं आज आपको बता दूं, हम किसी कश्मीरी मुसलमान भाई बहन के खिलाफ नहीं है, पर ये जो बातें करते हैं ना, मुल्क को तोड़ने की बातें करते हैं, ये बातें करते पुरानी, ये आज का भारत है जनाब। बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने राज किया। आज आपको बता दूं, ये आज का भारत है। ये नरेंद्र मोदी को मत समझिए बीजेपी का, होगा बीजेपी का तो यहां है कोई नहीं, होंगे बीजेपी के लीडर। मेरे लिए नरेंद्र मोदी बीजेपी का लीडर नहीं है, मेरे लिए नरेंद्र मोदी इस राष्ट्र का, नेशन का लीडर है, जिसने अमन शांति के लिए पूरे राष्ट्र के अंदर एक मुहिम चलाई है। बताइए मुझे, 5 साल के अंदर आप दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद क्या 26/11 की घटना हुई, क्या पार्लियामेंट की हुई, क्या कहीं ब्लास्ट हुआ? दिल्ली जगह जगह ब्लास्ट होते थे, हुआ नहीं हुआ? आज उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि 370 धारा ही एक जड़ थी आतंकवाद की, उखाड़ के फेंक दिया और प्रथम राष्ट्र का नारा दिया।